नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दोगुना हो सकता है सांसदों का वेतन। सांसदों ने एक बार फिर अपना वेतन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस बार उनका वेतन दोगुना हो सकता है। पूर्व सांसदों की पेंशन भी 75% बढ़ाई जा सकती है। इस समय सांसदों का वेतन 50,000 रुपए प्रति माह है। संसद की एक संयुक्त समिति ने अपना प्रस्ताव सरकार के सामने पेश कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की तरह सांसदों की सैलरी में भी समय समय पर इजाफे के लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति ने अपनी सिफारिश में 2,000 रुपए के डेली अलाउंस में उचित बढ़ोतरी की बात कही है। यह भत्ता सांसदों को संसद सत्र के दौरान सदन में उपस्थिति पर मिलता है। मंत्री रिजिजू ने रुकवाया विमान, यात्रियों को उतारा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उस समय विवादों के केंद्र में आ गए जब उनके कारण लेह से दिल्ली आने वाली एक उड़ान में करीब 1 घंटे की देरी हुई। इतना ही नहीं, उनके तथा उनके साथियों की खातिर विमान से 3 यात्रियों को उतार दिया गया, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। यह घटना 24 जून की बताई जा रही है। उड़ान भरने के लिए विमान के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन इसने तय समय पर उड़ान नहीं भरी क्योंकि रिजिजू और उनके पीए को इस पर सवार होना था। सूत्रों ने कहा कि जब वे पहुंचे तो 3 यात्रियों को कथित तौर पर विमान से नीचे उतार दिया गया। हालांकि रिजिजू का दावा है कि उड़ान में कोई देरी नहीं हुई क्योंकि रवानगी के समय तकनीकी कारणों से पहले से ही बदलाव किया गया था। रोबोट ने ठेकेदार को पकड़कर धातु की प्लेट से कुचला। जर्मनी में फॉक्सवैगन के उत्पादन संयंत्र में रोबोट सुधार रहे एक ठेकेदार को उसी रोबोट ने पकड़कर धातु की मोटी प्लेट से कुचलकर जान ले ली। फॉक्सवैगन के प्रवक्ता हेइको हिल्विग ने बताया कि यह घटना फ्रैंकफर्ट से करीब 100 किलोमीटर उत्तर में बोनाथल स्थित संयंत्र में हुई। 22 वर्षीय ठेकेदार उस दल में था जो खड़े हुए रोबोट को दुरुस्त कर रहा था। अचानक रोबोट ने उसे पकड़ा और एक धातु की मोटी प्लेट से कुचल दिया। शुरुआती निष्कर्ष से संकेत मिलता है कि यह घटना मानवीय चूक के चलते हुई। रोबोट के कल पुर्जे जोड़ते समय उसके प्रोग्राम को विभिन्न कार्यों के लिए सेट किया जाता है। आमतौर पर रोबोट संयंत्र के खास हिस्से में ही काम करता है।